बंगाल की संदेश खाली पर आज बेहद गर्मागर्म दिन रहने वाला है। मामले पर आज चार बड़ी खबरें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट शुभेंदु अधिकारी की याचिका सुनने वाला है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष संदेश खाली जाने वाली हैं और लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी आज तलब किया है। तो यानी चार बड़ी खबरें संदेश खाली को लेकर आ रही हैं। इस मामले में पिछले दिनों एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी के जरिए निष्पक्ष जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। याचिका में मामले की जांच और उसके बाद की अदालती सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने का अनुरोध भी किया गया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो हम चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली मामले पर ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि संदेश खाली में जिस जिस की जमीन पर कब्जा किया गया वो उसे वापस कर दी जाएगी। संदेश खाली में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। हालांकि शाहजहां शेख पर ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो चार बड़ी खबरें जो हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है, उसके अलावा हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने याचिका डाली है, यानी वो संदेश खाली जाना चाहते हैं। और अगर वो संदेश खाली उनकी सुनवाई हो जाती है तो फिर वो आज ही रवाना होंगे संदेश खाली के लिए। उसके अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने। साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू का दौरा करेगी टीम। उसके अलावा जो अध्यक्ष है एनसीडब्ल्यू की, वो भी आज संदेश खाली का दौरा करने वाली हैं। और मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, आज काफी एक के बाद एक बड़ी खबरें हैं संदेश खाली से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, उस पर सुनवाई होनी है। प्रिविलेज कमेटी ने तलब किया है डीजीपी और मुख्य सचिव को ये, और उसके अलावा एनसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है वो भी जाने वाली है संदेश खाली। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उस पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है पंकज, क्योंकि यहाँ पर मांग ये है कि बंगाल से बाहर मामले की सुनवाई हो, साथ ही साथ पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इधर शुभेंदु अधिकारी ने अनुमति मांगी है संदेश खाली आने की। मैं आपको दिखा दूं, मैं खुद संदेश खाली में हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर वो जगह है जहाँ पर जब भी शुभेंदु अधिकारी आए, चाहे फिर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल आया, अधीर रंजन चौधरी आए, उनको वहीं पर रोक दिया गया, आगे आने नहीं दिया गया। पंकज, अब जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से रेखा शर्मा खुद आ रही हैं, एक टीम पहले भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन रेखा शर्मा आज खुद आ रही हैं, उसके बाद रिपोर्ट अपनी जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगी। संभव है कि राष्ट्रपति को भी वो अपनी ये रिपोर्ट सौंपे कि उन्होंने क्या यहाँ पर देखा। एसपी डीएम से भी मुलाकात करेंगी, साथ ही साथ बात जो प्रिविलेज कमेटी की आप कर रहे थे, हो सकता है पश्चिम बंगाल के डीजी राजीव कुमार वो दिल्ली जाएं आज इस मामले में। हालांकि इस पर कोई कॉन्फर्मेशन, पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन अभी तक जो फिलहाल प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि डीजी हो सकता है जाएं इस मामले में दिल्ली। लेकिन संदेश खाली का जो मामला है, ये मुद्दा है, इसको किसी भी तरह खत्म होने नहीं दे रही है जो भाजपा सरकार है। और दो गिरफ्तारियां भले हुई है, लेकिन जो प्रमुख आरोपी है वो अब भी गायब है, शेख शाहजहां। बिल्कुल, तो इसी बीच आपको बता दें, संदेश खाली मामले पर ममता सरकार अब बैकफुट पर है। ममता बनर्जी ने एक रैली में यह कहा कि संदेश खाली में जिस जिस की जमीन पर कब्जा किया गया वो उन्हें वापस कर दी जाएगी। संदेश खाली में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। हालांकि शाहजहां शेख पर ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है, लेकिन जो जमीन कब्जाई गई है उसे लौटाने का वादा एक रैली में ममता बनर्जी ने कर दिया। ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের, যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে। এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে, সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোন মহিলা আজ পর্যন্ত কোন কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি।
आशिका का एक बार फिर रुख करते हैं। आशिका, अब जिस तरह का घटनाक्रम अभी तक हुआ है संदेश खाली में, उसके बाद बैकफुट पर नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, लेकिन तेवर वही हैं। वो ये कहती हैं मैं जो कहती हूं वो करके दिखाती हूं, लेकिन जमीन लौटाने का वादा कर दिया उन्होंने। दिल का ताल बनाया जा रहा है ये भी कह रही है ममता बनर्जी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से घिर गई है। यानी ये भी कह रही है कि कोई भी एफआईआर किसी महिला ने दर्ज नहीं कराई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रही है कि जिसको जो भी लिया गया है अगर ऐसी घटना हुई है तो हम उसको वापस जरूर दिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पर, आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं संदेश खाली के, उन्होंने भी कल ये बयान दिया है कि हम तो जिससे जिसके पैसे बाकी हैं उनको पैसे चंदा उठा करके और वापस करेंगे, और करना शुरू भी कर दिया है पंकज। और इस बीच आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली हैं, जैसा कि आशिका बता रही थी, इस दौरान वो संदेश खाली भी जाने वाली है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करने वाली है। तो बंगाल दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, और जो खबर आ रही है वो डीजीपी और इसके अलावा मुख्य सचिव से के साथ बैठक भी करेंगे। जैसे आपको पता है कि संदेश खली में बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है, मेरी मेंबर एक इंक्वायरी करके आई है, लेकिन पुलिस के कारण वो बहुत सारे विक्टिम से नहीं मिलके आई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरी बात हो चुकी है विक्टिम से और मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा जस्टिस मिले, इसलिए मैं खुद जाऊंगी, डीजी से मिलूंगी और वहाँ पे लोकल पुलिस से भी मिलकर। बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है महिलाओं पर और गली गली में जाकर मैं बात करना चाहती हूँ सभी महिलाओं से, और उनको संतावना देना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ ताकि वो आके आगे आके बात करने की हिम्मत रख सके। संदेश खाली पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के बारासात शहर है महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं। संदेश खाली बारासात इलाके में ही पड़ता है, तो प्रधानमंत्री 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। बारासात प्रधानमंत्री जा सकते हैं जहां महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात शहर संदेश खाली इलाके में ही पड़ता है। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं? प्रधानमंत्री आने वाले हैं और 7 तारीख को उनकी रैली होने वाली है, अभी तक ये तय हुआ है। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं? प्रधानमंत्री आने वाले हैं और 7 तारीख को उनकी रैली होने वाली है, अभी तक ये तय हुआ है।